हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है तो उसमें हमारा लर्निंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा अधिग्रहण यानी एक्विजिशन, लर्निंग एंड एक्विजिशन एक पूरा चैप्टर है। तो उसमें से आधा पोर्शन हमारा लर्निंग कंप्लीट हो गया है। आज हमारा दूसरा है, आगे हमारा अधिग्रहण। इसमें से भी जो सब्जेक्ट पैडागोजी होती है, इस वाले चैप्टर से भी एक आध क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। अब आपको उस हिसाब से पढ़ना है कि कोई भी कंसेप्ट आपका अधूरा ना रहे। तो आपको पूरा क्लियर करना है कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो आप उसको इजीली कर लो। अब सबसे पहले बात आती है, अधिग्रहण होता क्या है, एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन जो है वो लर्निंग से जुड़ा हुआ है। अब जो लर्निंग होती है वो हमेशा, सीखना जो होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखने के ही द्वारा जो बालक होता है या व्यक्ति होता है वो समाज में जो परंपराएं होती है उनको अधिग्रहित करता है, यानी उनका अधिग्रहण करता है। अब इसी के आधार पर जो इसकी डेफिनेशन बनती है, अधिग्रहण के द्वारा ही सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इसी के द्वारा सीखने को निर्धारित किया जाता है। और अधिग्रहण व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात बालक के विकास में सीखने को स्थायित्व प्रदान करना जो होता है वो होता है अधिग्रहण। ठीक है, जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है वही अधिग्रहण होता है। आपके पास कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है और उसके नीचे ऑप्शंस होते हैं कि इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका अधिग्रहण। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो सीखने की क्षमता तथा अधिग्रहण, लर्निंग और अधिग्रहण को एक साथ, सीखना और अधिग्रहण को एक साथ आपके यहाँ पे जोड़ा गया है। अब चूंकि यहाँ पे बात जो हो रही है वो लर्निंग पैडागोजी की हो रही है, भाषा पैडागोजी की हो रही है, तो उसमें बात जो की जाएगी वो भाषा की ही की जाएगी। तो भाषा के संकेतों से अर्थ निकालने की क्षमता जो होती है अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। अलग अलग बच्चों के बौद्धिक स्तर भी होते हैं। कई बच्चे मानसिक रूप से जो परिपक्व होते हैं वो अधिकतर जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं, मतलब जो उन्हें सिखाया जाता है उसे जल्दी अधिग्रहित कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। वो जल्दी जल्दी चीज़ों की पहचान करने लगते हैं, व्यक्तियों का नाम जल्दी से पहचानने लगते हैं, उनको जल्दी से पुकारना सीखना स्टार्ट कर देते हैं। सेम फिर उसी केस में कुछ अपोजिट होते हैं जो धीमा सीखने वाले होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ शुरू में तो धीमा सीखने वाले होते हैं लेकिन बाद में वे भाषा में अच्छी योग्यता ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण से ही बना हुआ है आपका अधिग्रहण। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीखने में अच्छी रुचि रखते हैं लेकिन वे स्पष्ट समझने में तथा बातों को प्रकट करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अब तीसरा जो कंसेप्ट है इसका वो है भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की विभिन्न अवस्थाएं। क्या क्या अवस्थाएं होती हैं भाषा विकास में अधिग्रहण की, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली जो बात होती है, बच्चे की जो भाषा की विकास होता है वो उसकी मानसिक योग्यताओं की विकास पर निर्भर करता है। भाषा बच्चे में ज्ञान वृद्धि तथा अनेक विकासात्मक प्रक्रियाओं के अधिग्रहण हेतु आवश्यक है। अब बच्चे में जो मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसने भाषा का अधिग्रहण किस सीमा तक किया है। जो भाषा होती है उसका एक अपना निश्चित रूप है, निश्चित एवं सतत ढंग है, किंतु जो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं उनकी जो अधिग्रहण करने की क्षमता होती है, गति होती है, वो योग्यता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यह योग्यता जो होती है वो आनुवंशिक भी हो सकती है और बाह्य कारकों पर भी निर्भर करती है। अब इसमें ये जो अवस्थाएं हैं, ये कुछ अवस्थाएं आती है अधिग्रहण की। भाषा के क्षेत्र में बात की जा रही है, सब्जेक्ट पैडागोजी की बात की जा रही है, तो सबसे पहले जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, प्रारंभिक ध्वनियों को अधिग्रहण करने की अवस्था, ये सबसे पहली अवस्था होती है। उसके बाद जो आती है वो आती है निरर्थक शब्दों के उच्चारण को अधिग्रहण करने की अवस्था। सबसे पहले प्रारंभिक ध्वनि होती है, उसके बाद निरर्थक शब्द भी उच्चारण करता है बच्चा। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है भाषा समझ की अवस्था। चौथी जो अवस्था आती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो आती है बोलने की अवस्था। उसके बाद आती है शब्द भंडार में विकास की अवस्था। और लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था। मतलब कोई भी बच्चा जब भाषा को पूर्णता सीख रहा है या अधिग्रहित कर रहा है तो उसे इन सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो एक शुद्ध उच्चारण करना सीख पाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था अधिग्रहण, छोटा सा टॉपिक था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट
चैप्टर है हमारा साइकोलॉजी वाले, सीडीपी वाले जो पोर्शन है हमारा उसका, तो आगे हम इसमें बात करेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।